राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इन दिनों पूरी तरह से दक्षिण भारतीय रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे पूनिया ने अपने प्रवास के दौरान का एक ताज़ा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वे दक्षिण भारतीय अंदाज में भोजन करते दिख रहे हैं। शेयर किए गए वीडियो में वे टेबल कुर्सी पर बैठकर केले के पत्ते पर दक्षिण भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वीडियो पोस्ट पर पूनिया ने लिखा, कोई भाषा सीखने का रास्ता भी भोजन से जाता है। कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला, कर्नाटक में भी मिला, देश में भी मिला। कांग्रेस को देश में 55 साल अवसर मिला और 55 वर्षों में केवल एक कालखंड था जब वाजपेयी साहब को मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है, देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कर्नाटक की गांव को जोड़, शहर से गांव को जोड़ने का काम पहली बार हुआ। कर्नाटक के किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का काम पहली बार वाजपेयी साहब के रिजीम में शुरू हुआ। फसलों का बीमा पहली बार शुरू हुआ और उसके बाद 14 में जब मोदी जी की सरकार आती है, लोग पूछते हैं कि बदलाव क्या आया। देश में 107 करोड़ बैंक अकाउंट है, 47 करोड़ ये केवल 14 में ही खुले। इसी समय देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसा ये कहां जाता है, ये करप्शन की एविडेंस है, प्रधानमंत्री के मुंह से कही गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अकाउंट के जरिए दिव्यांग, विधवा महिला, विद्यार्थी, आज उनके हक का नरेगा का मजदूर, उनके हक का पैसा उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। दूसरा, इस देश में टॉयलेट, स्वच्छ भारत मिशन, देश में महिलाओं की स्थिति इस नाते खराब थी, 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स ने गांव की महिलाओं का जीवन बदला, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन ने धुएं से मुक्ति दिलाई, 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके सर पे छत नहीं थी, राजस्थान का फिगर 17 लाख है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक के अंदर भी लगभग 10-15 लाख आवास निश्चित रूप से बने होंगे। तो जो बुनियादी विकास था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, वो 14 से लेकर और इससे 23 के कालखंड में शुरू हुआ। गौरतलब है कि राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से उपनेता प्रतिपक्ष बनने के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय संगठन ने सतीश पूनिया को कर्नाटक चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें बेंगलुरु में ग्रामीण विधानसभा सीटों पर प्रचार करने से लेकर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया फिलहाल बेंगलुरु ग्रामीण की किसान ओबीसी बहुल सीटों के साथ ही प्रवासी राजस्थानी बहुल सीटों पर भी जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कर्नाटक से पहले वे गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनावों में भी प्रचार कर चुके हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद केंद्रीय संगठन उन्हें राजस्थान में क्या अन्य किसी जिम्मेदारी के साथ जोड़ता है, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। याद दिला दें कि कर्नाटक में कुछ दिन बाद ही 10 मई को मतदान, जबकि राजस्थान में इस वर्ष के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।